हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि आप आधार कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना होगा eaadhar.uidaigov.in, या आप सिंपल आधार डालेंगे तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आप यहाँ माई आधार वाले सेक्शन में टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाएंगे। लोकेट एन इल्यूमिनेशन सेंटर, बुक एन अपॉइंटमेंट, चेक आधार स्टेटस, डाउनलोड आधार, रिट्राइव लॉस्ट या फॉरगेटन ईआईडी यूआईडी, ऑर्डर आधार रीप्रिंट, चेक आधार प्रीप्रिंट स्टेटस, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड और चेक आधार पीवीसी कार्ड। दोस्तों, अपडेट योर आधार में अपडेट आधार एट इन्वॉल्वमेंट या अपडेट सेंटर, चेक आधार अपडेट स्टेटस, अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन, रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस वैलिडेशन लेटर, चेक ऑनलाइन एड्रेस अपडेट, आधार अपडेट हिस्ट्री, आधार सर्विस में वेरीफाई एन आधार नंबर, वेरीफाई ईमेल या मोबाइल नंबर, रिट्राइव लॉस या फॉरगेटिंग ईआईडी या यूआईडी, वर्चुअल आईडी जनरेटर, एड्रेस आधार पेपरलेस ऑफलाइन या केवाईसी बीटा, चेक आधार स्लैश बैंक लिंकिंग स्टेटस, लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक, आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विसेज, आधार सर्विसेज ऑन एसएमएस, व्हाट इज़ आधार, फीचर्स ऑफ आधार, यूजेज ऑफ आधार, आधार इनरोलमेंट, आधार जनरेशन, अपडेटिंग आर डेटा ऑन आधार एंड सिक्योरिटी इन यूआईडी सिस्टम। और दोस्तों, सबसे सिंपल यूज़ है कि आप एम आधार यूज़ करिए ऐप, एम आधार ऐप फॉर एंड्रॉयड, एम आधार एप्स लिंक्स फॉर iOS। डाउनलोड सेंटर्स में आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे, इनरोलमेंट फॉर्म, आधार इनरोलमेंट स्लैश अपडेट फॉर्म, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, चार्जेस फॉर वेरियस यूआईडी सर्विस एट आधार केंद्र, PEC, वैलिडेशन ऑफ डाउनलोड आधार एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड न्यू ई आधार। दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि अगर आपको आधार अपना डाउनलोड करना था, सिंपल डाउनलोड आधार पर टिक करेंगे, और जैसे आप डाउनलोड आधार पर टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डाउनलोड एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ योर आधार, इट विल बी अवेलेबल इन पासपोर्ट प्रोटेक्टेड PDF फाइल में आपको यह मिलेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आधार नंबर आप इंटर कर सकते हैं, या EID नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर, इसमें से आप कोई भी एक चीज़ आप इंटर कर सकते हैं। आधार नंबर आपका 12 डिजिट का, इनरोलमेंट आईडी आपका 14 डिजिट का, और वर्चुअल आईडी आपका 16 डिजिट का नंबर होता है। तो आधार नंबर पे आप टिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल कर देना है, उसके बाद आपका OTP फिल कर देंगे, तो उसके बाद आपका आधार जो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें कि आपका वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, जिसमें जनरली आपका डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडेड होता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना आधार कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो आपका यहाँ पर OTP आएगा, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी यही है आपको अपना मोबाइल नंबर जो है आधार से लिंक कराना अनिवार्य है, जिसकी वजह से आप इन सब सर्विसेज का यूजेस कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर।